بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليك وسلم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، سيد الرسل وخاتم المعصومين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله الذين وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى الك واصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاتبه महम्मदन सादिककवाल वकलीमी मुहमदन ज़िक्र रूहुल्नफसना महमदुन ज़िक्र फ़रदलअलमी रब वसलिम दा इम आबादा अला हबीबिका खैर ख़लक़ुलिहिमी खुदाया बक्के बनी फ़ातिमा के बर ईमा कुनी ख़ात्मा अगर दावम रद कुनी वर क़बूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व आम नवालू व तम बुरहान व वाज़म शान व जल्ला ज़िक्र व अज़ा इसमो की हमदोसना और हज़ूर सरवर कायनत मफ़रे मौजूद जीनत बज़म कायनत दस्तगिर जहाँ गम गसार ज़म सद सरवरा हामी बेकसा कायदलमरसलिन ख़ातमनबीन आहमद मुजतबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वलीही वा सहाबीही वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदीद रुद والسلام अर्ज करने के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू वालेकुम जलाल के फजल और तौफीक से अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलम बिलाफस हजरत सैदना सिद्दीक़े अकबर रदी अल्लाह याद में जो अशर्य सिद्दीक़े अकबर हम मना रहे हैं आज का खुतबा मुबारक भी उसी मौजू पर है और उसी सिलसिले में सबक़त सयदना सिद्दीक अकबर रदील्ल् कॉन्फ्रेंस का इनका किया जा रहा है मेरी दुआ है खाल के कायनत जल्ला जलाल हम सब को क़ुरान सन्नत का फाहम अता फ़रमाए और कुरान सुन्नत के अबलाग तबलीग और इस पर अमल की तोफ़ी अता फ़रमाए मुख्तलफ़ मौक़े पर हजरत सयद न के अकबर रदी अल्लाह शख्सियत के लिहाज से जो मुख्तलिफ़ मौजुआत हैं वो बयान किए जाते रहे हैं आज भी एक नहायत अहम मौजू जेरबास है रबल हमें इसे समझ कर इसे आगे पहुँचाने की तोफ़ी का ताफ़रमाए हज़र सैदना सिद्दीक़ अकबर रदील्ल सदलमसलीबीन अहमद मुशतबा जनाब महमद मुस्तफ़ा सल्ला व सहबी मुबारक वसलम की वाला सिफात के तुफ़ैल और आपके वसीले से हज़रत सदी के अकबर रदी अल्लाह तू को जो मरातब अता किए गए उनमें से एक मरतबा आपके अतक़ा होने का है जिसे कुरान मजीद बुरान रशीद में बयान किया गया और फिर उसके जेर आपकी अफलीत अकदमियत, आज़मीत अकबरीत और सबकत के सारे मौजू जो हैं वो मौजूद हैं कंजल के अंदर हदीस नंबर के पैंतीस हज़ार छः सौ पचहत्तर जो बारहवीं जिल्द में है उसमें ताजदार ह्लाता हज़रत शे ख़ुदा मौला अली अलीतज़ा रजी अल्लाह तह आपका ये फरमान मौजूद है काना अली रदी अल्लाह तह इज़ा जुकिरा इन अबू बकर रदी अल्लाह तहो कला जगरू नज़ी नफसी भी अदही मस्तबकना इला कत्तो कत्तोला साबाकाना इलेही अबू बकरिन रजियल्ला हजरत मौल रजी अल्लाह तु के पास जब हजरत सिद्दीक अकबर का जिक्र किया जाता तो रावी कहते हैं यानी इनके मालूम के मुताबिक जब भी ज़िक्र किया जाता तो हज़रत मौलाजी अल्लाह आगे से ये तबसरा करते बाक यजकुर के लोग उस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें रब ने हमेशा सबकत अता फरमाई है एक होता है सबक कि फ़लाँ फ से सबक है सबकत लेने वाला है और एक है सब्बाक ये मुबालगा का सीगा यानी बहुत ज़्यादा सबकत लेने वाला तो हज़रत मौलानी रदी अल्लाह तु सदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे वो थे असब और एक बार नहीं जब कोई एक बार ज़िक्र करता था आप दो बार हजरत सिद्दीक अकबर को सब्बाक कहते थे कि ये सब्बाक का ज़िक्र कर रहे हैं सब्बाक का तस्करा हो रहा है और साथ फिर ये इरशाद फरमाते थे वल्ल नफसी बे ही मुझे उस की कसम जिसके कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है अली फरमाते मस्तबक ना इला खैरन कत्त अबा का ना अबू बकर किसी भी नेकी के काम में जब हमने मुकाबला किया तो हमेशा सिद्दी के अकबर ही पहले नंबर पे आए मस्तबक ना इला खैरिन कत्तो हसर के साथ फरमाया कि कोई भी नेकी का काम हो वो मैदान जहाद या दीगर मौाक़ हों जब भी ऐसा मौका आया कि देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है और सबसे पहले नंबर पर कौन आता है तो हसर के साथ ये फरमाते हैं कि अला साबा का ना है अबू बकर हमेशा अच्छाइयों में हमसे आगे गुजरने वाली हस्ती का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तहो है इसी के साथ जो अगली हदीस है पैंतीस हजार छः सौ छहत्तर अबू जिनाद रवायत करते हैं काला कला राज या अमीर अलमोमिन मबालमहाहाजरीन अवलसारद अबा बकरिन ये क्या हुआ कि महाजरीन और अनसार ने हज़रत सिदी के अकबर रदी अल्लाह तह को आप पर मुक़दम कर दिया यानी जिस वक़्त ये माशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे पैदा हो चुके थे कि जिनका मजाज शिकायत वाला था और एतद में गड़बड़ा चुकी थी हजरत अल्लाह सैदनामरतज़ार का जब दौर खिलाफत था तो आपको मुख्तलिफ़ मौा पर मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि आपका नंबर पहला था आप चौथे नंबर पर क्यों आए आपने इतनी देर इंतज़ार क्यों किया खिलाफत का तो उसी मज़मून की ये बात भी है कि एक बंदा आया उसने हज़रत अली रदी अल्लाह अमीर अलमोमिन मा अनसार। उसने जो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह की अवलीत है ख़िलाफत में इसे महाजरीन और अनसार के खाते में डाला कि इन्हें हजरत सिद्दीक अकबर को आगे उन्होंने कर दिया महाजरीन ने कर दिया और अनसार ने कर दिया हालांकि जो हमारा पिछला जुमा था उस पर हमारे सारे दलाए लाहौर में ये थे जो बुखारी मुस्लिम और दिगर किताबों में के या यह वल मनून इल्ला अबा बकर के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अबू बकर सिद्दीक को मैंने आगे नहीं किया अल्लाह ने आगे किया है और इस तरह के भी साथ फरमान मौजूद था कि मैंने तीन बार अल्लाह ताला से ये कहा हज़रत मौलाली रजी अल्लाह ताला उनके बारे में लेकिन हर बार अल्लाह ने इनकार किया और उन्हें अल्लाह ने, अल्ला ने सिवाय बकर सिद्दीक के और किसी को मुसल्ला पर खड़े करने के लिए मुझे इजाज़त नहीं दी तो और इसी पर फिर हमने क़ुरान से मौला अली रदी अल्लाह तन हो कि वो दलील भी पेश की जो लताइफुल मिनन के अंदर आपसे किसी ने यही बात कही कि महाजरीन अनसार ने आगे किया फरमाया महाजरीन अनसार ने अबू बकर को आगे नहीं किया अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को आगे किया यानी ये अली रदी अल्लाह ने फरमाया अब यहाँ भी ये बात है कि मालरीन अवल अनसारदम आबा बकर कि उन्होंने हजरत सिद्दीक हजतबू बकरी रजियल्ला को मुकदम कर दिया बंताओ मिन हो मन कब हालांकि आपकी फजीलत उनसे ज्यादा है उस साइल ने उस शख्स ने मौलाली से कहा हालांकि आपकी अफजलियत मन कब फजीलत हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तुसे ज्यादा है वह अकदाम मिनहु सलमा आप उनसे पुराने मुस्लिम हैं आपने पहले उनसे इस्लाम कबूल किया वक साबका तन और आपको अल्लाह ने सबकतें अता फरमाई इस तरह का मजमून उसने साथ अपने दलाइल भी पेश किए अपनी तरफ से अपनी बात के साथ कि आपकी सबकत बनती है आपको पहले होना चाहिए था तो हजरत मौला ने जवाब में ये इरशाद फरमाया इतना गुस्सा आ गया फरमा आज़ुल्ला ला कतल तो का अगर तू मोमिन ना होता यानी मोमिनों से अपने आप को शुमार ना करता तो कि तू यहूदी नसरानी तो है नहीं शुमार तो अपने आप को मुसलमानों में करता है और जो मुसलमान होता है वो अल्लाह की पनाह में होता है ला ला कतल तो का। अगर मोमिन अल्लाह की पनाह में ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता तेरी इस गुफ्तगु की बुनियाद पर जो तूने बज़ाहिर अपनी हमदर्दी मेरे साथ ज़हर की है लेकिन मुझे इस बात पर तुझ पर इतना गुस्सा आया है कि मैं तुझे अगर तू अल्लाह की पनाह में ना होता तो मैं तुझे कतल कर देता और उसके बाद आपने फरमाया वही हाका वही हाका माना अच्छाई वाला भी होता है लेकिन यहाँ जो पहले गुस्से के अल्फाज वही हमें दूसरा माना भी है जिसका माना है तू तबाह हो जाए तू तबाह हो जाए अब यहाँ यह माना नहीं तू खुश रहे वही हाका तू तबाह हो जाए ना अबा बकर अरबा। फरमा चार मवाके पर अबू बकर सिद्दीक मुझसे सबकत ले गए यानी यहां चार का बतौर खास तस्करा किया कि तू मुझे कह रहा है कि लोगों ने मुकदम कर दिया उनको तो लोगों ने उनको मुकदम नहीं किया उनको अल्लाह की तरफ से ये तकदीम मिली और उन चार का तस्करा करते हुए फरमा, साबा कानी फर्मायाबाकानी इमामा इमामत में वो मुझ पर सबकत ले गए साबा कानी इल इमामा जो इबन कव्वा ने बसरा में जब आप पर एतराज किया था मजमा में के आपका पहला नंबर था आपने इतना इंतज़ार क्यों किया तो इब्ने कव्वा का तलु हवारी से था तो आपने उसके जवाब में मजमा आम के अंदर आपने ये इरशाद फरमाया कि लस्तमरीदा वाला गायबा उस दिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मरू अबा बकरिन फलोसल बन्नास क्या बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तह हो को ये कहो कि वो मेरे मुसल्ले पे इमामत करवाएं मैं उस दिन ना मरीज था ना मैं गैर हाजिर था तो अगर मैं गैर हाजिर होता तो फिर भी कोई कहता कि चूंकि वो गैर हाजिर थे तो इनकी बारी आ गई अगर मैं बीमार होता फिर भी कोई कहता कि चूंकि मौला अली बीमार थे लिहाजा मुतबाद इनको बना दिया गया फरमाया ना मैं बीमार था ना मैं गैर हादिर था मैं पास ही था तो मेरे सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और हजरत अब्बास को फरमाया मुरु अबा बकरिन तुम दोनों अबू बकर सिद्दीक को कहो जाके कि वो जमात कराए तो तो कहने लगे रदीन अल दुनिया ना मा रधी अभी रसूल सल्लास दीन ना अल्लाह के रसूल सामने ने हमारे दीन में हमारा जिसे लीडर बनाया मुसल पर खड़ा करके नमाज़ जैसे मामला में जो दीन का सतून है तो हमने उसी शख्स को फिर दुनिया में भी अपना लीडर बना लिया और उनको अपना अमीरमिन बना लिया तो उसी अंदाज में आपने यहां फरमाया साबाखानी इमामा इमामत में सबकत उन्हें मिली यानी सरकार ने यह नहीं फरमाया मुरू अली या फल युसल या मुझे जो मैं पास बैठा हुआ था फरमाते के के अंत तसल आप जमात कराएं कहा कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तला को सरकार ने सबकत दी कि जमात वो कराएं और इसके बाद फरमाते हैं कि वह तकदीम हिजरा हिजरत में भी वो मुझ पे सबकत ले गए व इलल गार गार में भी वो मुझ पे सबकत ले गए व इफ़ा इल इस्लाम इस्लाम के इजहार में भी वो मुझ पे सबकत ले गए ये एक जुदा मौजू है जो कभी बयान करेंगे इस्लाम लाना और इस्लाम का इजहार करना ये दो जुदा चीजें तो मौला अली रदी अल्लाह तुने फरमाया व इफास्म इजहार इस्लाम के अंदर भी वो मुझसे सबकत ले गए और साथ यहाँ तक गुफ्तु के बाद फरमा फिर फरमा वो हा कहा तू तबाह हो जाए इन अल्लाह जम मन्ना साहुम व मादाह अबा बकर एक वक्त वो भी था कि जिसमें अल्लाह ने हर हर बंदे की मजम्मत की अल्लाह ने मुजम्मत की यानी रसूल अक्रम सला जब दावत ईमान इंसानियत को दे रहे थे कि मेरा कलमा पढ़ो इन अल्लाह जमनासा हूँ वह मादाह अबा बकर रसूल अक्रम सल्हसम की दावत जिन लोगों को थी जिन्होंने उस दावत को कबूल भी कर लिया उन सब को शुमार करके अल्लाह ने सब की मजम्मत की लेकिन उस वक़्त भी जिस हस्ती की रब ने तारीफ की रसूल अक्रम सम के जेर साया उन्हें रख के वो सिद्दी सिद्दीकी अकबर रही अल्ला और ये सात आयत पड़ी तन तनसरू हो फकद फद नासरा कि अगर तुमने मेरे महबूब की मदद ना की तो अल्लाह तो उनकी मदद करेगा ये जो हिजरत का मामला था तो उसमें ये जो इल्ला तन शुरू हो ये खिताब सब को था कि तुमने अगर मदद ना की तो अल्लाह तो मदद करेगा जब बाकी सब को अल्लाह तला ये फरमा रहा था इला तन शुरू हो उस वक़्त भी गार में सिद्दी के अकबर साथ थे यानी वो इस झिड़की में नहीं आ रहे थे वो इस मुजम्मत में नहीं थे जो अल्लाह तला मुजम्मत फरमा रहा था जो मौला अली खुद इस कर रहे हैं कहते हैं वही हाका तू तबाह हो जाए इन अल्लाह जम सारे लोगों की मजम्मत की व मादाह अबा बकर उस दिन भी अबू बकर की मदा की अबू बकर तारीफ़ की फकाला अला तन शुरू हो फ़क़ न कि अगर तुम ए लोगो मदद नहीं करोगे मेरे महबूब सल्ला वसल्लम की तो अल्लाह ने यकीन उनकी मदद कर दी है तो ये खुतबा दिया हजरत मौला अली रदी अल्लासी तौर पर उस शख्स को कि जो ए, ये जाहिर कर रहा था कि मैं आपका मुहिब हूँ और आपका पहला नंबर होना चाहिए और मौलानी को इतना गुस्सा आया फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की पनाह में ना होते तो मैं तुझे कतल कर देता और कहा कि अल्लाह ने ये सबकतें अता की हैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तला को इस मौजू में आज भी कुछ बातें मौजूद हैं आवाम में बयान करने से थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है लोगों को समझने में लेकिन चूंकि कुछ खवास भी उसमें बह गए हैं तो फिर वो बयान करना ज़रूरी हो गया है कि ताकि जब भी किसी के सामने कोई वो चीज़ बयान करे तो उसे पहले ही उसके लिहाज से जवाब आता हो और फिर खवास के लिहाज से भी है कि अगर उनकी तवज्जो ना हो तो वो भी इस तरफ तवज्जो करें इस सिलसिला के अंदर हमारे दरस निजामी में जो अकायद पढ़ाए जाते हैं तो वो अकायद नस्फी हैं और उनकी फिर आगे शरा है उसको कहते हैं शरा अकायद नस्फी शरा अकायद नस्फी जो है वो अल्लामा तफ्ताजानी की है अल्लामा तफ्ताजानी जो है उनका यहां पर एक नुकता नजर है जिसे कुछ लोगों ने आज पेश करके इस मसले को जन्नी बनाने की कोशिश की यानी हम कहते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तला की अफजलियत कती है क्या है कती है और कुछ लोगों ने इस सिलसिले में आज ये कहा कि ये गन्नी है यानी कहते हैं अफजलियत हम भी मानते हैं मगर ये कति नहीं है ये जन्नी है और फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि इस सिलसिले में चुप कर जाना चाहिए कुछ बोलने नहीं चाहिए कि कति है या जन्नी है या क्या है सकूत इख्तियार कर देना चाहिए इस पर फिर किताबें लिखी गई और फिर उन किताबों पर कुछ लोगों ने तकरीजें लिखी हमायत करने में तो इससे ये यानी इस मसले में भी कुछ लोगों को तो हैरानगी होगी कि यहाँ भी इख्तिला हो गया तो बहरहाल चूंकि हो गया तो उसके जवाब में यह हकीकत जो सूरत हाल है वो बयान करना हमारी ज़िम्मेदारी है ताकि लोगों का यकीन महफूज हो शरा अकद के अंदर अकायद जो किताब है ख़ुद अकायद नस्फी मतन वो ये है यानी उसमें इख्तिलाफ नहीं है वो वही है जिस पर हम आज भी मौजूद हैं मतन जिस पर फिर आगे शुरुआत लिखी गई मतन यह अफजलुल बाशरे बाद नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर अस्सिद्दीक सुम्मा उमर अल फारूक उमर अल फारूक सुम्मा उस्मान जुन्नुरैन सुम्मा अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला ये मतन है अकायद नस्फी का इमाम नस्फी ने जो मतन लिखा इस पर जो आगे शरा है वो है शरा अकायद नस्फी इस मतन पर अलामा तफ्ताजानी ने यह लिखा कि अलाहाजा वजद न सलफ सलफ का यही अकीदा है सलफ को हमने यूं ही पाया है सलफ़ का यही अकैदा सलफ अगरचे हमसे पहले सारे सलफ ही हैं लेकिन सबसे अव्वल फर्द जो सलफ का है वह सहाबा ताबीन है तो यहां सलफ जो सबसे पहले सलफ है मतलब सहाबा इसी अकीदे पर थे और ताबीन इसी अकीदे पर थे कि यही तरतीब है फत की भी यही तरतीब है और खिलाफत की भी यही तरतीब है जिस तरह मतन में जिक्र हुआ तफताजानी कहते हैं वाहिर अन्लहू लोलमकुल्लहुम दलील उन अलाजाले का लमह हाकामू बेजाले का कहते हैं कि सलफ के पास अगर कोई दलील ना होती तो ये कॉल ना करते यकीनन उनके पास कोई दलील थी तब उन्होंने ये कॉल किया वाहिरु लोलमकुल्लहम दलील उन अलाजाले का लमा हकाम बेजाले का अगर दलील उनके पास ना होती तो ये हुक्म ना लगाते जो लगाया है उन्होंने अब इससे आगे वो सलफ से इख्तलाफ करते तफ्तानी ने कहा वह अम्मा नाह लेकिन जहां तक हमारा मामला सलफ को छोड़ कर, अपना मामला है नहीं। जहां तक हमारा मामला है फकद वजदना दलाइल अल जानबैनी मुतार कहते हमने तो जानिबैन के दलाल मुतारज़ पाए हैं हमने जानिबैन के दलाल मुतारज़ पाए हैं जानिबैन कौन है जाने एक जानबी अहले सुन्नत है और दूसरी जानब रवाफिज है हमने तो इनके दलाल मुतारज पाए और यह कानून है कि जब किसी मसले में तारुज आ जाए ईज़ा तार तो फिर तारुज की बुनियाद पर जब अब दलीलें एक ही जैसी हैं तो फिर मसल साकत हो गया फिर वहां सकूद करना चाहिए फिर बोलने की जरूरत ही नहीं तो तफ्ताजानी जो है उन्होंने कहा कि हमने तो इस मसले में जान बैन के दलाइल मुतारज़ पाए हैं वलम नज़द हाजिल मसलाता मिमा अल्लाह को भी शेय मिनल और कहते साथ कोई इस मसले के साथ अमल का ताल्लुक भी नहीं है कि ये जरूर हम छेड़ें और फिर तीसरे नंबर पर कहते हैं कि अगर इसमें तोफफ कर लिया जाए तो किस वाजिब में खलल आएगा इधर चले गए और अब मैं मुखर कर रहा हूं यह लफज फिर उन्होंने बोल दिए कहते हैं वल इंसाफ हो मेरे नजदीक यहां इंसाफ यह है इस मसले में ये देखना है कि अफजलियत का मदार किस पर है तो दो सिक्के बनती हैं अफजलियत का मदार जो है वो कसरत सवाब पर है या कसरत फजाइल पर है तो अगर तो अफजलियत का मदार कसरत फजाइल पर हो जिस तरह के जवील अकूल समझते हैं कि जिसकी फजीलतें ज्यादा हैं वही अफजल है तो फिर तो इसमें अफजल का कौल किया जा सकता है कि कौन अफजल है और अगर यह है कि सवाब किसका अल्लाह के यहां ज्यादा है तो कहते हैं वो तो अल्लाह को पता है कि सवाब किसका ज्यादा है अगर कसरत सवाब पर अफजलियत का मदार रखा जाए तो फिर कहते इंसाफ यह है कि इस बारे में तोकफफ किया जाए वल इंसाफ अन्नाहु इन उरीदा बिल अफ दलियात कसरतवाब कि अगर जब दो शख्सियतों में तकबुल हो रहा हो कि इनमें अफजल कौन है इसका मदार इस पे रखना है कि इनमें से अल्लाह के यहां सवाब किसका ज्यादा है अगर इस पर मदार रखना है तो कहते हैं फलित तवको फे जेहत तो फिर यहां इस मसले को छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि अल्लाह के यहाँ किसका सवाब ज़्यादा तो फिर तवक्ष का तो की जिहत भी बनती है इंसाफ ये है कि तवक़ की जिहत भी बन जाती है फिर तो किया जाए और दूसरी तरफ अगर दूसरी शिक ली जाए कि जवील अक़ूल किसके फज़ाइल ज़्यादा देख रहे हैं तो फिर वो बनता है कि फिर बताया जाए कि कौन अफजल है ये उन्होंने इस जगह ये बयान करने के बाद के असलाफ का मजहब वो है जिसमें चारों की दर्जाबंदी है खिलाफत की तरतीब है और खिलाफत की तरतीब पर ही फजीलत की तरतीब है और उनके पास कोई दलील होगी उन्होंने दलील पर ही कहा होगा लेकिन का हम इस सिलसिले में दलाल को मुतारज़ देख रहे हैं तो तारुज़ की बुनियाद पर मेरे नज़दीक इन ये है कि अगर मदार रखना है इस चीज़ पर कि सवाब किसका ज़्यादा है तो फिर हम तवक्कुफ़ भी कर सकते हैं इसमें तवक्कुफ़ कर जाएं और अगर ये कि जवील उकूल जो हैं किसके फ़जाइल ज़्यादा समझते हैं तो फिर अफजलियत का कौल जिसकी भी अफजलियत हो किया जा सकता है लेकिन तवक्कुफ का रास्ता भी उन्होंने दरमियान में बताया अब दूसरी तरफ आप मुझसे ये बारहा सुन चुके होंगे और हमने ये जितनी कराची की सुन्नी कॉन्फ्रेंस थी लाहौर की ये आगे पीछे ये बताया कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रमत ने अपने ज़माने में जो सुन्नी होने की शर्तें बयान किं उनमें से ये शर्त बयान की कि नम सुन्नत हैं हम ये इकरार करते हैं अफजल हाजिल उम्मती बाद नबी अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मा उस्मान सली रदील तम और फिर ये शरत है सुन्नी होने की क्या तफदील शैन व हुब्बल वमसुफ़ैन कि दो हस्तियां हैं जज़रत सिद्दी के अकबर और हजरत फारुक आजम रज अल्लाह तला इन दो को बाकी सब से अफजल मानना ये सुनी होने की लामत है और अगर तवक़फ करे तो फिर अलामत नहीं पाई जाएगी कि तफजील तव... तो है मुँह से बोलना और इमाम साहब कहते हैं इकरार करना जिस तरह हल्फ उठाना होता है कि हम इकरार करते हैं और आगे फिर मोहब्बत खतनैन है नबी अक्रम के दोनों दामादों की महब्बत हजरत ऊस्मान गनी और हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तहुम और उसके बाद मसाल खुफ़ैन मौजूँ पर मसे का उस ज़माने में ये एक अलामत ये भी साथ करार दी अब ये जो है इस पर मैं आप हजरात के सामने अपनी तरफ से तबसरानी करना चाहता बल्कि एक तबसरा जो है वो हज़रत मुजद अलफ़ानी रहमत की तरफ से करना चाहता हूँ और दूसरा इसी शराद के शारे इमाम परहारवी जो हैं निबराश में जो उन्होंने किया और फिर इस मसले की जो असल हकीक़त है उसको जिस कमाल अंदाज में हजरत मुजदेद अल्फानी रहमत ने वे किया वो आपका ही हिस्सा है अब ये असल जो किताब थी शरा अकायद, उसकी इबारत का खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया कि वो क्या कहना चाहते हैं उनका मौकफ क्या है अगरचे वो मौकफ गलत है जो जहां से नहनु से लेकर उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं लेकिन जो उन्होंने कहा इंसाफ यह कि वो लोगों को बताया जाए कि उनका मौकफ है क्या और उसके बाद उस मौकफ की हैसियत क्या है और वो क्यों गलत है ताकि कोई उस गलत मौकफ को अपना कि अपना अकीदा खराब ना करे और अहले सुन्नत से खारिज ना हो हमने जो खुतबा कन्वेंशन में भी ये पढ़ा था ए, हज़रत मजदलसानी रत का मकतूब जो एक खतीब के रद में आपने सामाना की तरफ भेजा सामाना जो भारत की का इलाक़ा है कि उस खतीब ने ईद के खुतबे में खलफा राशिदीन के नाम नहीं लिए थे तो आपने बहस करते करते फ़रमाया कि अगर उसने इसलिए नहीं लिए कि उसे इन चारों के अंदर तफ़ील में तोक़फ़ है उसे तवक्कुफ़ है कि इन चारों में से अफजल कौन है यह तय हो तो फिर वो किसी न का तो पहले नाम लेगा तो उसके नजदीक चूंकि तय ही नहीं था बेचारे के नजदीक तो इसलिए उसने छोड़ दिए तो ये मुजद्दद साहब ने कहा अगर उसने इसलिए छोड़े कि उसे तवक्कुफ़ है तो फर्मा राहे सुन्नत रा तारे कस्त फिर वो सुननी नहीं है अगर उसे इस बारे में तवक्कुफ है अभी तक सुनियों की मस्जिद का खतीब और उसे यह तवक्कुफ़ है वो फैसला नहीं कर सका आज तक कि इन चारों में से अफजल कौन है क्योंकि फैसला हम जैसे किसी ने अपनी तरफ से नहीं करना जो फैसला हुआ हुआ है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जिस पर सिहाबा सारे कायम थे उसी पर ईमान का इजहार करना है तो मुजद रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबा शरीफ जिल्द नंबर एक इसके अंदर सफ़ा नंबर एक सौ इकतीस हिस्सा चारम दफ्तर अव्वल आप इर्शाद फरमाते हैं और फारसी चूंकि हमारी बोली के करीब करीब है अगर मैं सिर्फ फारसी भी पढ़ूंगा तो आपको समझ ज़रूर आ जाएगी कि मुजदस साहब कितना प्यार से रद्द कर रहे हैं तफ्त अज़ानी का फरमाते आंच मौलाना सादुद्दीन सादुद्दीन नाम है तफता जानी का आंच मौलाना सादुद्दीन दर शरा अकायद नस्फी ये वो किताब है दर शरा अकायद नस्फी अफजलियत इंसाफ दानतास्त वो जो मौलाना सादुद्दीन तफ्ता जानी ने इस अफजलियत वाले मसले में शरा अकायद नस्फी में जो उन्होंने इंसाफ जाना है कि चुप कर रहना चाहिए इंसाफ फिर यह है कि चुप कर जाना चाहिए तो करना चाहिए सा फरमाते हैं <गाँगाँ> आज इंसाफ दूरस्त आज इंसाफ दूरस्त जिसे वो कह रहे हैं कि इंसाफ ये है कि फिर चुप कर जाना चाहिए मुजद साहब ने कहा अज इंसाफ दूरस्त ये बात इंसाफ से दूर है यानी इंसाफ से दूर है तो मतलब क्या ये जुल्म है आज इंसाफ दूरस्त और फिर मुजद साहब कहते हैं ये जो उन्होंने दो शिक्के बनाई हैं क्या दो सिक्के बनाई थी कि अफजलियत का मदार कसरत सवाब पर है या कसरत फजाइल पर है तो साहब कहते हैं कि जब तय है कि अफजलियत का मदार ये एक चीज पर है तो फिर शिक्के बनाना है ही फजूल फरमाते हैं व तरदीदे के नमूदास। तरदीदे का मतलब है सिक्के बनाना कि इस पर सवाब पर मदार है या फजाइल पर मदार है कहते तरदीदे के नमूदास बे महासलस यह बेफायदा है क्यों चे उलमास की अफजलियत बातबार सवाब नज खुद जल्ला वा इंज़ा मुरादस्त यह तय है अफजलियत का मदार कसरत सवाब पर है दूसरी शेख है ही नहीं अफजलियत का मदार यानी दो बंदों में अफजल कौन है जिसका सवाब अल्लाह के यहां ज्यादा है वो अफजल है जिसका सवाब अल्लाह के यहां ज्यादा है वो अफजल है इस सिलसिले में थोड़ी सी वजाहत निबराज से आपके सामने पहले रख दूं ये इमाम परहारवी की किताब जो नबरास है ये कोटद्दू के इलाके में इनका मज़ार है इन्होंने अपने अहद में जवानी में फौत हो गए थे मगर इनकी अरबी किताबें अरब मुल्कों में भी पढ़ाई जाती हैं कोटअू मुजफ़्फ़राबाद, इन्होंने अरबी में इस किताब की ही शरह लिखी कायद की शरा और इन सब पर हावी है वो शरा जो सियालकोट में लेटे हुए अब्दुल हकीम साहब की है ये जो जहाँ से ये मतन शुरू होता है अफजलबर यहाँ पर हरवी लिखते हैं जकर अलमुहना अन हाफिल कलाम ही सवाब ए आम उल जजायर ला शरफ़ नसब कि अफ़ज़लियत का मदार सवाब पर है इसके मुकाबले में दो चीजों की नफी की उस पर मदार नहीं है एक नस्बी शराफत पर अफजलियत का मदार नहीं नस्बी शराफत पर आम नस्ब नहीं के ये चट्टा है यह चीमा है यह शेख है यह चौधरी है नहीं वो बुजुर्ग हस्तियों वाला नसब उसके मुकाबले में भी कहा कि उस नसब के शर्फ पर भी अफजलियत का मदार नहीं एक उस पर मदार नहीं दूसरा के जाहिरी तौर पर बंदगी कौन ज्यादा करता है इस पर भी नहीं मदार ये है कि अल्लाह के यहां सवाब किसका ज्यादा है ये बात भी जल्द हजम नहीं होगी सोचनी पड़ेगी और इन्होंने फिर इसकी मिसाल दी फरमाया कि मिसाल के तौर पर भाई लाजिम आई ये कून वालबी सल्लाम अफदिनबी लजी लई सा अबू हो अम नबीन का अगर लोना शर्फ नसब की बुनियाद पर अफजलियत तो फिर जो बंदा किसी नबी का बेटा है नबी है लेकिन खुद नबी नहीं बेटा अल्लाह के नबी का है तो उसकी नस्बी शरफ तो कमाल दर्जे के नबी का फर्जंद है तो फिर अगर नबी के यानी शर्फ नसब को फजीलत का मदार अफजलियत का मदार फजीलत तो है ही अफजलियत का मदार अगर शर्फ नसब को बनाया जाए तो इमाम अब्दुल अजीज परहारवी ने कहा जो आपका जेन भी उस बात को मानेगा कि फिर वो जो किसी नबी का बेटा हो खुद नबी ना हो लेकिन वो अफजल हो उससे जो नबी तो है मगर बेटा नबी का नहीं है यानी एक हस्ती खुद नबी है मगर वो हस्ती किसी नबी का के, का बेटा नहीं वो किसी नबी के बेटे नहीं खुद नबी हैं एक तरफ वो रखो और दूसरी तरफ एक है गैर नबी लेकिन बेटा नबी का है तो जो नबी का बेटा हो शरफ नसब का तो इसका ऊंचा है और जो खुद नबी है लेकिन बेटा नबी का उसकी नसब का शरफ वो नहीं जो नबी के साहबजादे के नसब का शरफ है तो अब इनमें से अफजल कौन होगा अफजल तो नबी है अफजल नबी है लेकिन अगर शरफ नसब को दलील अफजलियत की बनाओ तो फिर नबी का बेटा उस नबी से अफसल होना चाहिए जो नबी खुद किसी नबी का बेटा नहीं है क्योंकि नबी तो है मगर उसके नसब को तो वो शरफ हासिल नहीं जो शरफ इस बेटे को हासिल है जो खुद नबी तो नहीं मगर बेटा किसी नबी का है तो इस वास्ते शरीयत में अफजलियत का मदार शर्फ नसब पर नहीं वरना यह लाजम आएगा कि गैर नबी नबी से अफजल हो जाए और गैर नबी को नबी से अफजल मानने से कुफर लाजम आता है शर्फ नसब शर्फ नसब है यानी आम नसब की बात नहीं कर रहा दुनियादारी वाले वो अल्लाह के हां अजीम नसब जो है नबी का फरजंद होना और उसकी फजीलत भी है लेकिन दो जातों में जब अफजलियत का तकबुल होगा तो अफजलियत का मदार शर्फ नसब पर नहीं है क्योंकि जो नबी का अल्लाह के यहाँ स्वाव है वो सवाब उसका नहीं जो बेटा अगरचे नबी का हो मगर नबी ना हो खुद उसका वो सवाब अल्लाह के यहाँ नहीं जो सवाब अल्लाह के नबी का है तो उनमें से अफजल कौन होगा जो अल्लाह का नबी है एक ये चीज बयान की अफजलियत में शर्फ नसब का मदार नहीं है दूसरा जाहरी तात का मदार भी नहीं है चूंकि अबूमी तौर पर तो हम जेन में यही समझते हैं कि जिसने नमाजें ज्यादा पढ़ी हैं मिसाल के तौर पर नफल भी ज्यादा पड़े हैं चूंकि तारक तो नमाज की फर्ज की दूसरी हस्ती भी नहीं एक ने नेहरी जो इतात है बंदगी है कसरत से की तो यह होगा कि जिसने कसरत से बंदगी की है फिर इस, इसका स्वाब ज्यादा होगा फिर यह अफजल होगा तो इमाम पर हरवी ने कहा यह भी नहीं क्यों फरमाया अगर कोई बतौरे फर्ज आज चलो बोरी सोना तो मिल ही सकता है किसी ने आज पंद्रहवीं सदी में एक बोरी सोने की अल्लाह के रस्ते में दी उधर से अभी ने एक मुट्ठी दी थी तो तात बजाहिर जिसने बोरी सोने की दी इसकी ज्यादा है और उधर जिसने मुट्ठी दी थोड़ी है लेकिन अल्लाह के यहां सवाब मुट्ठी वाले का ज्यादा है बोरी तो क्या वो पहाड़ भी दे दे तो उस मुट्ठी को नहीं मिल सकता तो इस वास्ते मदार जो है वो है कि अल्लाह के यहां स्वब किस ज्यादा है उस पर मदार है किस चीज का अफजलियत का तो इस चीज को यानी अब वैसे जेन में रख लो कि जितना स्वब हजरत सिद्दी के अकबर रजी अल्लाह तलाह के यहां है इतना नबियों के बाद किसी उम्मत के किसी फर्द का नहीं है आगे अभी ये बताएंगे कि आपको किसने बताया कि उनका स्वभाव सबसे ज्यादा है जो इमाम तफ्ताजानी कह रहे थे तो वो अभी बात आगे आएगी मुजद्दे साहब वो भी बताएंगे कि किसने बताया है तो बहर आपको गुस्सा था आपने शुरू में कहा कि आज इंसाफ दूरस कि सादुद्दीन तफ्ताजानी ने जो कहा कि ये इंसाफ यह कि तवकफ़ कर लिया जाए इन अस्थियों में अफजल बयानी ना किया जाए तो आपने फरमाया कि आज इंसाफ दूरस्त और जो उन्होंने शिक्के बनाई कि ये है या ये, ये है क्या ये फजूल है क्योंकि तय है यहाँ शिक्के तो तब हों जब शक हो कि ये वजह है या ये वजह है फिर भाई ये तय है के हाँ चलो अवाम को ना भी पता हो मुजद्दे साहब ने कहा चे मुकर अस्तम के यहाँ यह तयशुदा है कि अफलमा से मुराद भी हम जैसे नहीं मुजद साहब से पहले जो बिलखसूस हबा उ ताबी के अफजलियत सवाब नजद खुदा जल्ला वाला ई जा मुरादस कि अल्लाह के यहाँ स्वब किसका ज्यादा है न अफजलियत के बेमाना कसरत जहुर फजायलो मनाकब केस कि के फजाइल किताबों में ज्यादा लिखे हुए इस पर मदार नहीं मदार इस पर है कि अल्लाह के हां सवाब किसका ज्यादा है तवज्जो करना अब यहां इरशाद फरमाते हैं कि ये बात सारे सिहाबा को पता थी कि जितने फजाइल हदीस में जिक्र किए गए हैं हजरत मौला के इतने किसी के जिक्र नहीं किए गए और उसका सबब था वो भी बयान किया कि जब कुछ लोगों ने शिकायत लगाई तो सरकार ने जो हतमी हकीकी शान थी वो बताई उनको लफज सुनेल इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि सिहाबा में से जितने फजायल हजरत मौला अली रजियाल्ला के आए हैं किताबों में इतने किसी के नहीं आए माज़ाले का ये जानते हुए कसरत फजाइल को सब जानते हुए हमेशा हुक्म करदान बाफ जलियत खुलफाए सलासा ये जानते हुए सिहाबा कि मौला अली के फजीलत में यह भी हदीस है यह भी हदीस है यह भी हदीस है फिर भी सारे सिहाबा और ताबीन ने खफाए सलासा को मुकदम किया है कैसे हुक्म करदान बाजलियत खलफाए सलासा सिर्फ मुकदम करना बगैर फजलियत के नहीं हुक्म करदान बाजलियत खलफाए सलासा पस मालूम शुद की वजह अफजलियत दीगर अस ही फाइल हो मनाके वजह अगर फजाइल की होती तो फिर सारे कहते यही अफजल है वजह फिर कोई और है फजाइल का जिस तरह वो नबी के बेटे के लिहाज से जिक्र किया वजह फजाइल फजाइल यकीनन बरहक हैं है। और उनका इनकार नहीं लेकिन वजह अफजलियत फजाइल नहीं कुछ और है तो मुजद साहब इर्शाद फरमाते हैं वह इत्तिला बरआ अफजलियत फजाइल को मानते हुए सिहाबा ने फिर अफजलियत सिद्दीक अकबर की क्यों मानी उनके बाद अफजलियत हजरत उमर की क्यों मानी उनके बाद अफजली नहीं रज की क्यों मानी मुजद साहब कहते हैं मुशाहिदाने दौलत वाह मुयसर कि जिन लोगों के सामने वाहि नाजल हुई जिन लोग जो मुशाहिद थे वाह के उन्हें यह मुयसर आया कि बासरी या बाकराइन या तो सराहतन उनको पता चला सरकार से कि किसका सवाब सब सबसे ज्यादा है या बाकराइन करीनों से पता चला कि बसरी या मालूम नमूदा बाशन व सिबा पैगंबरन अलह व अलह मुसलमत व तस्लीमात और वो आम लोग नहीं अल्लाह के रसूल के सहाबा हैं हमें वो मौका नहीं मिला जो उन्हें मिला हमें पता नहीं अल्लाह के यहां सवाब किसका ज्यादा है उन्हें पता चला कि अल्लाह के यहां अल्ला सवाब किसका ज्यादा है क्योंकि वो वाही के मुशाहिद थे या सराहतन पता चला या कराइम से पता चला इस बुनियाद पर अगरचे उन्हें फजाइल मौला अली रजी तला के कसरत से नजर आ रहे थे इसके बावजूद उन्होंने अफजलियत हजरत सिद्दी के अकबर की तस्लीम कर ली फजाइल मानते हुए अफजलियत जिसका मदार कस रहे थे स्वाब पर है कि सवाब किस का ज्यादा है उसकी फिर वजूहत भी हैं यानी ज्यादा होना अलहदा चीज है वजूहत उसकी अलहदा है वो अलहदा मौजू है अब फिर मुजदिर साहब आते हैं पस शारे अकायदे नस्फी गुफ्तास, पश वो जो शराद नस्फी के शारे ने यानी अकायद नसफी के शारे ने कहा है कि अगर मुराद अज अफजलियत कसरतवाब पस तवकुफरा जीहत कि अगर अफजलियत से मुराद जो है वो कसरत सवाब है तो फिर चुप कर जाना चाहिए सब फरमाते हैं साकेत ये जो तफताजानी ने कहा इसकी कोई हैसियत नहीं ये साकेत है इन्होंने जो तवकुफ की वजह बताई वो साकेत है जेरा के तवकफ रहा वक्त गुंजाइश बाशिद क्या फजलियत रा अज कबीले साहिब शरीयत सरिहन और दलालतन मालूम ना करदा बाशन कि तवकफ का तब तुक बनता है या गुंजाइश बनती है कि वो अफजलियत साहेब शरीयत से सिहाबा ने सराहतन या दलालतन मालूम ना की होती तो फिर तवक्फ का तुक बनता था जब साहेब शरीयत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिहाबा ने इस अफजलियत को मालूम कर लिया अब तवकफ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती और यह भी साथ ही इतराज उठ गया कि तुम कौन होते हो तराजू हाथ में पकड़े हुए हैं कि यह अफजला यह अफजला तुम्हारी क्या हैसियत है कोई यह भी तो एतराज करता है तो मुजद्दे साहब ने कहा कि हमारी कोई हैसियत नहीं लेकिन जिनकी शरीयत है उनकी हैसियत है साहिब शरीयत की हैसियत है उनका हुक्म चलता है वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज़ हकूमत पे लाखों सलाम तो फिर सुनो आप फरमाते हैं कि पस शारे अकायदे नस्वी कि अगर मुराद अजफ सलीत कसरत शवाबस पस तब कुफरा जिहत साकेत कि जो उन्होंने कहा तफ्ताजानी ने कि तवक़ की गुंजाइश है का सात है क्यों तो रक्त है गुंजाइश बाशंत तो तब गुंजाइश थी कि आ अफजलियत कबीले साहिब शरीयत सरीहन और दलालतन मालूम न करदा बाशंद अगर सिहाबा ने यह अफजलियत सरकार दो आलम वसल्लम से मालूम न की होती तो फिर गुंजाइश थी जब उन्होंने मालूम कर ली अफजलियत सरकार से दो तरीके सराहतन या दलालतन तो अब पीछे तवकफ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही इस वास्ते तफजील का कौल करना जन्नी नहीं कती है और यहां चुप कर जाना जायज नहीं और जो इसमें तोफ़ कर जाएगा वो फिर सुन्नी नहीं होगा वो राह सुन्नत का तारक होगा सुन्नी की ये शर्त इसलिए फिर सहाबा के बाद ताबीन में इमाम आजम अबू हनीफा ने उसूल में लिख दी कि तफदील शैखन कि उसे मुंह से बोल के कहना पड़ेगा मैं मुसलमान हूँ मैं सुन्नी हूँ मैं इकरार करता हूं कि हजरत सिद्दीक अकबर हजत उमर रदी अल्लाह तुमा बाकी सारी उम्मत से अफजल है अब यहां आप ये इर्शाद फरमाते हैं अगर मालूम ना करदा बाशन चूंकि कोई इतना भी दरमियान में रखना नहीं देने देना चाहते मुजद साहब कहते हैं कि अगर सिहाबा ने सरकार से मालूम ना की होती तो वक्फ कर लेते तुम अब यह कि उन्होंने मालूम कहा कि क्या लिखा हुआ है मालूम कर ली मुजद साहब कहते हैं अगर मालूम ना करदा बाशंद चरा हुक्म बाफजलियत कनंद अगर मालूम नहीं की हुई थी तो सिहाबा अफजलियत का हुक्म क्यों लगा रहे थे तो अफजलियत का हुक्म लगाना जो तवातुर से साबित है सिहाबा का अफजलियत का हुक्म लगाना यानी अफजलियत सिद्धिक अकबर रजी अल्लाह तला का हुक्म लगाना ये इस बात की दलील है कि वजह अफजलियत सरकार से मालूम कर चुके थे वरना ये जमाते सिहाबा हर गिर अपनी तरफ से अफजलियत का हुक्म ना लगाती अब कहते हैं वहां कि हमारा बराबर दानंद कुछ लोग कहते हैं सब बराबर हैं देखो ना हमारे इन बड़ों ने कितनी सदियां पहले ये सारे झगड़े खत्म किए हुए हैं। लेकिन असल मसला तो ये है ये पढ़े कौन ये देखकर भी बहुत से लोगों के सर को दर्द हो जाता है ये एक जलद ये इतनी बड़ी दूसरी जलद और जिन्होंने पढ़ पढ़ के सुनाने थे वो आज शहजाद खान है वो अलफ को किल्ली भी कह दें तो बड़ी बात है कि साहब ने कहा अलफ किल्ली है यानी कोई तकबर ग नहीं लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त के सारे पीर ये मकतूबात इस फकीर के पास पढ़ते तो आ ये झगड़े पैदा ना होते मुजद साहब ने तो लिखे थे कि पीरों का निशाब है ये कि पीर पढ़ पढ़ के खान कहू में मुरीदों को सिखाएंगे शुरू में लिखा था उन्होंने कि यह मैं फलां खलीफे को लिख रहा हूं वो अपने मुरीदों को पढ़ के सुना है को लिख रहा हूं आज इस नाम पर मुजद ट्रेड सेंटर सरहंद ट्रेड सेंटर यानी दुकानों के नाम एजेंसियों के नाम कंपनियों के नाम ये तो रख लिए लेकिन यह पता ही नहीं मुजद्द साहब क्या जिगर पिघलाते रहे हैं कि तफ्तजानी ने क्या लिखा फलां ने क्या लिखा किसने गलत लिखा किसने सही लिखा मुजद साहब ने तराजू पकड़ा और सही करके समझा के गए लेकिन अब बात हो कोई पढ़े तो सही और असल जो उनका लिखा हुआ अरबी और फारसी में तर्जमा तो जिसको मैं क्या कहूँ कि लिखा कुछ होता है तर्जमे कुछ लिखे होते हैं आगे तर्जुमे और जो कुछ उन्होंने लिखा है अक्सर मकाम ऐसे हैं जिस जमीन आसमान का फर्क है तर्जुमे में लिखा है जमीन है मतन में लिखा है आसमान है तो उनको हदायत कैसे मिले तो इनको चलो मेरे पास ये पीर ना पड़े कोई पड़ा हुआ देख ले कहीं कम अज कम मकतूबात तो पढ़ ले ये नक्शबंदी तो पढ़ ले हालांकि इस मकतूबात को तो कादरियों ने भी पढ़ा चिश्तियों ने भी पढ़ा सोरवर्दियों ने भी पढ़ा यह सब का निशाब है और आज सिर्फ ये अलमारियों के शोपीस बना के तो रखे हैं मगर ये पूछते नहीं कि इस वक्त जो फितना है मुआशरे में उसका हल मुजर साहब ने क्या लिखा आज वो इन्हीं के जो वारिस हैं वो अब्दुल कादिर शाह जी जाके वो दुम पकड़े हुए जिसने कहा कि ये तो पक्का मसला ही कोई नहीं है बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है हर शाख पी उल्लू बैठा हो इंजाम गुलिस्ता क्या होगा वो रवाफि ने तो खुद कसर नहीं छोड़ी फितने की और आगे ये जो स्पॉन्सर है उनके सपोर्टर इन्होंने इस मसले पर कि जिस पर मदार है सुन्नीत का तो मुजेद साहब फरमाते हैं आपने लिखा के के हमारा बराबर दानंद जो कहते हैं चारों यार बराबर है वह फजले यके बर दीगरे फजूली अंगारन और कहते हैं किसी को दूसरे पर फजीलत देना फजूल है ऐसी आवाजें सुनी होंगी तुमने मुजेद साहब कहते हैं जो ये कहता है बुल फजूलस बोल फजूल मुझे सब गाली नहीं देते मगर कसर भी नहीं छोड़ते जो ये कहता है अब करोड़ों तहरुल कादरी जैसे मुजद के जूते की खाक जैसे नहीं है जिन्होंने आके दीन बिगाड़ा और वो बातें की और अब इन्हीं बुजुर्गों के नाम लेके चंदे भी लेते हैं और इन्हीं के खिलाफ भी चलते हैं और हमारा जुर्म यही है कि दरमियान में से पर्दा हटा के कहते हैं देखो चंदा किसके नाम पे ले रहे हैं और बगावत किससे कर रहे हैं आप देखिए है, देखिए मुजदिर साहब आप फरमाते हैं कि वह आंख हमारा बराबर दानद वो जो कहता सब बराबर है वह फजले यके बर दिगरे फजूली अंगारत ये जो फारसी है ना मैंने अपने अब्बा जी से पढ़ी थी, थी। अल्लाह उनकी जिंदगी लंबी करे से तो आफियत के साथ फजले बरदिगरे फजूली अंगारद यहां तक मुबतदा खबर क्या है कहते हैं बुल फजूलस बड़ा बेहूदा इंसान है जो ये कहे वो बेहूदा है अब अब हम उसको बेहूदा क्यों ना कहें मुजदस साहब जैसा खुलक वाला बंदा भी हुआ उसको कहे कि वो बेहूदा है अब हम कहां से खुलक लाए इन लोगों के लिए जिन के लिए मुजदस साहब के जहन में कोई नरम गोशा नहीं है अभी आला हजरत का तो डंडा ही सख्ता हो रहा है मुजदस साहब कहते हैं बुल फजूल बड़ा फजूलदा बापे यानी बुल फजूल फजूलियत आला है बेहूदा है और कहते हैं फिर गुस्सा बहुत है मुझे को कहते हैं अजब बुल फजूल बड़ा अजीब बेहूदा है कि इजमाए आलिहा फजूली दानत क्या मैंने इसलिए इसको बेहूदा कहा कि इसे शर्म नहीं आई कि इसने हक की इजमा को फजूल समझा है? इसे ये शर्म नहीं कि इनको अफजल कहने पर इजमा किन लोगों ने किया वो उलाह कहमुस्ून की शान वाले हैं जिनको कुरान ने उलाह कहमुस्ून कहा ए टू जेड जो सारे सच्चे हैं उन सब ने मिल के मुबकर को अफजल कहा कि इजमाए आल हक रहा फजूली तानत कहते मैंने कोई सख्ती नहीं की असल वो लायक किसके है कि जब कहते हैं सब बराबर हैं और तरजीह देना हर सिदी के अकबर रदी अल्लाह तुम उनको फजूल है तो फरदे ये खुद बड़ा झूल है अजब फजूल है कि इजमाए हक को फूल कह रहा है मगर लफ्ज फजल उरा बी फजूली बुरदास तो अब ये जो ए, सिर्फ मैंने एक एक ए, तकरीबन पौना सफा पड़ा है आपके सामने मकतुबाज शरीफ का जिसमें उन्होंने बाकायदा नाम लेकर सादुद्दीन तफ्ताजानी की उस मकाम का कि जहां उन्होंने कहा कि पहले तो उसी पारी कहम थे मगर हमारा ये है कि मैं कहता हूं कि दलाल मुतारज अब यहां बारी आ गई है इमाम प्रहारवी के सोटे की अब्दुल अजीज प्रहारवी आप कहते हैं कि जब ये टेक्स्ट लिख के फिर यानी मतन है पहले अकायद नस्फी उस पर है शरा अकायद नस्फी फिर दोनों को इकट्ठा करके इन्होंने मतन बना के ऊपर फिर अपनी शरा की तो इसमें उनकी बात पहले पूरी समझाएंगे और फिर अपनी करेंगे जब उन्होंने कहा ना कि वलम नजद हाजिल मसला तफ़ी मा य को भी शयो मिनलामाल और यकून तो फी है मुखिलम विशे मिनल वाजिबात इतना लिख के तफतज़ानी साहब का कहते हैं यूरी दो वो ये इरादा करते हैं अपनी बात नहीं कर रहे मैं कहता हूँ यहाँ भी हमारे एक मर्दान के शेख लजीज़ साहब है वो कहते हैं निबरास वाले ने कहा है नबरास वाले ने क... जो कहा है वो आगे है जिसमें वो डंडा लेके खड़े हो गए निब्रास वाले ने यूरी तो कहा है उरीदो नहीं कहा वाहिद गैब कहा है कि नस्फ तफ्ताजानी का ये इरादा तफ्ताजानी की ये राय है तफ्ताजानी ये कह रहे वो बता के फिर कहा जो तफ्ताजानी ने कहा गलत कहा खुद रद्द किया है तो ये कितनी ज्यादती है कि निबराश वाले के खाते में डाल देना कि प्रारवी साहब जाए उन्होंने ये कहा लेकिन बात आगे जारी रखी और उन्होंने ये कहा हारगज प्रहारवी साहब ने की हिमायत नहीं की ना इतफाक किया है बल्कि उल्टा रद्द किया है और रद्द बड़ा सख्त किया है रद्द कैसे किया आप फरमाते हैं यह जो तफताजानी साहब ने कहा है ना कि यहां दलायल मुतारस है हल सुन्नत के और शिया के दलायल मुतारज हैं अफजलियत के मसले में तो चुप कर जाना चाहिए इमाम तफ्तजानी कहते हैं ये बात गलत अम्मा फिल अवल फाल अदिल्लाता आहल सुन्नत सहिया वादिहतु हतला व अम्मा शिया, अदिल्लाश इम्मा मौदुआत गैरहती दलाल फलाता रोजा इतना फर्क है आप देखो इतना फर्क है कि एक शेखुल अदीस कहता है कि निब्रास वाले वही बात कर रहे हैं जो तफ्तजानी ने की है और तफ्तजानी ने क्या किया दलाल मुतारज है और निब्रास वाले कह रहे कोई तारुज़ नहीं है तारुज होना ना होना यह और आसमान का फर्क है ना नफी इस बात का उन्होंने कहा दलायल अफजलियत के मुतारज हैं तो मसला खत्म हो गया दोनों तरफ दलीलें हैं और एक जैसी हैं तो इमाम परहारवी ने कहा यह बात गलत है क्यों फाल अदिल्ला तहल सुन्नादी सैया इतना फर्क है कि सुनियों की जो दलीलें हैं वो सारी सही हदीसें हैं कौन सी हदीसे हैं सही हदीसे है। ये अदिल्ला आल सुन्ना अम्मा अदिल्ला तो शिया इम और दलाल जो आहले सुन्नत के दलायल है किस मसले पर अफलीयत सिद्धिक्ला के, के मसले पर जो आहले सुन्नत के दलायल है वो दलाइल कैसे हैं इमाम परहारवी कहते हैं नंबर एक या तो सारी सैदी से हैं नंबर दो या नहीं सारी सही हदीसें भी हैं और इस मसले पर उनकी दलालत वाजे भी है एक है ना हदीस तो सही हो लेकिन मसले से उसका तल्लो की कोई ना हो हदीस हज के बारे में हो मसला रोजे का साबित करना हो तो हदीस सही है अपनी जगह मगर मसला तो रोजे को उसमें नहीं लिखा हुआ तो अफजलियत के बारे में इमाम ने कहा निबरास के अंदर कि ये समझ लो कि जो आले सुन्नत के दलाल हैं, एक तो सारी हदीसें सही है दूसरा उन हदीसों का अफजलियत अबू बकर पर जो दलालत है उनकी वो भी वाज है कोई दूर की बात नहीं है कि हदीस रोजे की हो और मसला नमाज का साबित किया जा रहा हो ये है आले सुन्नत के दलाल, और इनके मुकाबले में अम्मा अदिल्लत शिया फरमाया जो वो दलीलें जिनमें वाज दलालत है अली अल्लाह पर वो हदीसें या तो दलालत वाली तो सारी घड़ी हुई हैं मौजूआत हैं मौजूआत वजा की जो तीन लाख हदीसें ने घड़ी थी उनमें से है वो सरकार के फरमान नहीं है वो घड़ी हुई हैं और जो हदीसें सही ही उनकी इस मसले पर दलालत ही नहीं वो किसी और मसले की है उनकी दलालत ही नहीं तो कहा ये साहब किस तरह बराबर की दलील बनाना चाहते हैं फला तारुज़ा, यहां दलाइल में कोई तारुज नहीं है सिर्फ आल सुन्नत के दलाइल हैं, और वो दलाल अफजलियत सिद्दीक अकबर रजियला पर है और वो दलाइल कैसे हैं सही हदी हैं और उनकी इस मसले पर दलालत भी वाज है ये उन्होंने बयान किया जिसको छोड़कर अल्लाह एक गलत चीज जो है वो आवाम को उर्दू में लिखकर लोगों ने दे दी अब यहां पर मैं आखिरी बात इनकी आपके सामने पेश करके गुफ्तु को खत्म करता हूं इमाम परहारवी ने कहा कि सारी लंबी बात करने के बाद कहते हैं ये जो अफजलियत वाला मसला है ना इसके बारे में उसूल समझ लो और ये आप सारे भी समझ लें और आप सारे समझा भी दें ना रोज़ाना ये बातें होती हैं ना ये वक़्त आता है ना इतनी गुंजाइश होती है फरमाते हैं हाजिल मसला तो यदूर अलह इबत मजहब शी ये जो अफजलियत सिद्दीक अकबरदी अल्लाह त मसला है ना इस पर मजहब शिया को बातिल करने का मदार है अगर यह तुम छोड़ोगे तो कभी उस बातिल मजहब को बातिल नहीं साबित कर सकोगे अगर यहां तुम कह दो जन्नी है या इसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा यह कौन सा नमाज रोजा है जिस तरह के वो तफतजाली साहब ने कहा इस पर क्या मौकूफ है तो इमाम परहरवी ने कहा यदूर अलिहा मजहब शिया इबताल मजहब शिया

हाबाते बिन नबी सल्ला हजरत मौला को कुल कहने के बाद फिर वो कहते हैं सारे से में से मौला अली रजी अल्लाह तला सरकार के ज्यादा मुशादे हैं ये कहने के बाद फहूअलीफा तो फिर तो कहते हैं फिर खलीफा बिला फजल वही है तीन से है अफजल है फिर अशबा है अशपा है तो फिर खलीफा बिला फसल वो हैं और उसके बाद कहते हैं कि जब खलीफा बिला फसल वो हैं तो फिर सारे साहबा ने उन पर जुलम किया माजल्ला जो हजरत शदी के अकबर रजी अल्लाह को खलीफा बना लिया तो जुल्म किया तो जुल्म करने के बाद कहते हैं कि सारे फिर ालिम हुए जालिम हुए तो आदिल ना हुए आदिल ना हुए तो उनकी तो रवायती हदीसी दुरुस्त नहीं रवायती हदीस ही दुरुस्त नहीं तो एक हदीस भी ना बची एक हदीस ना बची तो कुरान ना बचा कुरान ना बचा तो इस्लाम कैसे बचा इमाम तफ्ताजानी के मुकाबले में यह कहा निबराश वाले ने कि मसला अफजलियत के बारे में घूगड़ियां ना डालो मुंह में इस पर पूरे दीन की बका है उनको अफजल के सारे सहाबा पर फिर वाफज उनको अशबा फिर उनको खलीफा बिला फसल जब उन्हें कहते हैं तो फिर हजरत सिद्दीक के अकबर और सारे जिन्होंने उनको बनाया चोर में मोलाली भी शामिल है इन सब को वो कहते हैं ये जालिम है और उसूल के मुताबिक जो जालिम हो बंदा उसकी रवायती हदीस गैर मुहतबार होती है तो फिर सारे से तो अदीज आगे आई है कुरान भी उनके जरिए से आया है तो ना कोई आयत मोतबार होगी इस्लाम के मसले पर तुमने स्टैंड ना लिया कि क्या पड़ा हुआ दीन का तो इमाम पर कहा कि फिर दीन का कुछ भी नहीं बचेगा लिहाजा अफजलियत के मसले पर उसी पर रहो जिस पर सलफ थे सिबा से लेकर उम्मत के अंदर और यहां चलते चलते उन्होंने इसमें यह लिखा कहते हैं फैयाब तो लो कुल्लो हदीस रवा हु आल सुन्ना आल सुन्नत जितनी हदीसें रवायत करते हर एक बातिल हो जाएगी वहाजा हुआ तरतीब हूँ फी तद लील दुआफायल मुसलिमिन ऐसे ही जयफ़ मुसलमानों को साधों को गुमराह करते हैं और फसादू अशदिन मफा दे मजहबिल मोतजिला इतना फसाद मोतजला के मजहब का नहीं वा वल जबरिया जबरिया के मजहब का मुरजिया के मजहब का जितने बातिल फिर हैं का उन सब का इतना फसाद नहीं जितना रवाफज और शिया का फसाद है दीन को बातिल करने में एक हदीस नहीं बचेगी एक आयत नहीं बचेगी तो फिर फैजाजेबू अलामामू बेमसला तिल अफजलियत वाजिब है पर, कि अफजलियत सिद्दी के अकबर के मसले का एहतमाम करें इसमें लेट ना जाए इसमें कच्ची लस्सी ना बने इसमें पिल पिले ना हो दीन पूरा इस पर बका मा उसका इनसार है फैजा जेब अलातमाम बेमसला तिल अफदली याते कहते व इन नब ना फिहाज अल मकाम लिखते लिखते काफी लंबा लिख गए कहते आदत नहीं थी इतना लंबा लिखने की मतन पर मैंने यहां लंबा कर दिया क्यों मजबूरी क्या है जैसे हमने जुमा लंबा कर दिया मजबूरी क्या है कहते लन न शारहा कत तला क्योंकि तफ्तजानी तजानी ने यहाँ गलती कर दी थी फ से तसाहुल हो गया था फसारा कलाम हु मजल्ला तलाकदाम उसका कलाम फिसलन बन गई थी फसारा कलाम हु मजल्ला तल अकदाम, ये नहरों के किनारे बच्चों ने फिसलने के लिए जगह बनाई होती है वो खेलते हैं उसको कहते हैं मजल्ला फिसल जाने की जगह का तफताजानी लिखते लिखते फिसलन गा बना दी थी जहां आके बड़े बड़े फिसल जाएंगे और तफ्तजानी तो चले गए निब्रास वाले चले गए हमारे जमाने में बड़े बड़े फिसल के गिरे अब फिसले हुए हैं हम जिनको समझाने के लिए अतनबन अल कलाम जुमा इतना लेट कर दिया है हत्ता हत्ता कहते हैं इमाम प्रहारवी ऐसी कमजोर इबारत लिखी तफ्तजानी ने इतनी गलत लिखी हत्ता समय शिया था मैंने अपने जमाने की शियों को सुना यह तज्जुना बे इबारत ही वह तफ्तादानी की इबारत उठाए फिरते हैं यह तज्जून बतौर हुज्जत और दलील के कि देखो तुम्हारे तफ्तजानी ने लिखा हुआ है कि अफजलियत की तो दलील ही मुतारज है यह तज्जून बे इबारती व्या कसी बिल का यह दिखा कि बहुत से तालब इलमो को धक्का दे के फिसला रहे हैं कि अफजलियत की बासी ना करो अफजलियत छोड़ दो तो इस वास्ते ये कहा कि मैंने ये गुफ्तगु लंबी की और उसको बयान करने में हमसे भी लंबी बात हो गई क्योंकि मौजू शुरू था वरना जितनी इसकी दलीलें थी वो सारी किताबें तो भी मज़ीद पढ़ी हुई हैं लेकिन ये है वक़्त का कर्ज इसमें सोचने की बात है ये तहदीस नमत है आपने जो आज अवामी मेम्बर पर यह सुना इस मौक़ वक्त की पाकिस्तान की सारी मस्जिदें आलम इस्लाम की सारी मस्जिदें इस मौजूद को जिस पर मदार है दीन का ये जो हम जैसों को तो ये जवाब आ नहीं सकते ये जो बड़े लिख के गए लेकिन कम अज कम हम पढ़ तो जाए कौन आज ये बयान कर रहा है एक एक हवाले के लिए कितनी रातें जागना पड़ता है उन्हें यह खबर नहीं इनके लिए एक एक लाइन के लिए पचास पचास साल लगते हैं तब जाके बात कहीं से पक्की मिलती है और इस पर मदार है ईमान का कबर की रोशनी का तो इसका आगे भरपूर तरीके से एहतमाम करना चाहिए वाहिर उदा वाह अनिलहमद ला रबिला